और जिले बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी समेत 25 लोगों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है, नोटिस दिया गया है। मुख्य आरोपी समेत 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा किया है। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का नोटिस है। 3 दिन के अंदर जगह खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई, जहां योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है। बता दें कि एक के बाद एक कार्रवाई बहराइच हिंसा को लेकर देखी जा रही है। और चलिए देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बीते दिनों एनकाउंटर हुआ। आरोपी सरफराज और तालिम को जब गोली लगी और पुलिस जब अपने साथ गिरफ्तार कर जेल ला रही थी, तब की तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी से पहले ही दरअसल वहां जो लोग रह रहे हैं, जिनके घरों के बाहर नोटिस लगाया गया है, उनके तरफ से पहले से ही अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। चूंकि शासन प्रशासन की ओर से यहाँ 3 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया गया है, 3 दिनों के अंदर अगर वो खुद से घर खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन नोटिस मिलने के बाद, नोटिस चस्पा करने के बाद लोग खुद से ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई आपके सामने। और इसी बीच बहराइच से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। अविनाश, जिस तरीके से जानकारी है कि 25 लोगों को नोटिस यहां पर दे दिया गया है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिलने जा रहा है, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इस वक्त मैं महाराजगंज कस्बे में हूं और 23 लोगों को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से नोटिस इशू किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर अगर वे अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं या इस जगह को खाली नहीं करते हैं तो यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 तारीख की यह नोटिस है और जो मियाद है वो आज खत्म हो रही है, लेकिन मियाद खत्म होने से पहले ही कहीं ना कहीं बुलडोजर का खौफ है, बुलडोजर का डर है कि लोग खुद से ही जो दुकान है, जो मकान है, वो खाली करने में जुट गए हैं। आपको तस्वीर दिखा दूं, देखिए ये तस्वीर, ये जो दुकानें आपको एक लाइन से 4 दुकानें दिख रही हैं, चूंकि ये भी उसी जद में यानी कि अतिक्रमण की जद में ये दुकानें आ रही थी और इन दुकानों को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आज सुबह से ही जो तमाम दुकानदार हैं, जो लोग हैं, इन दुकानों को खाली करने में जुटे हुए हैं। और ना सिर्फ दुकानों से सामान हटाए जा रहे हैं बल्कि जो दुकानों में दरवाजे लगे हैं उन दरवाजों को भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है। देखिए कितनी दुकानें थी यहाँ पे, चार अच्छा, सामान सब सामान उठा लेंगे, अब दुकान तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन से पहले ही आप लोगों ने इसको खाली कर दिया? जी जी जी। क्या वजह क्या रही? नोटिस लग गया, वो काम होने होना है। प्रशासन से कहा गया है कि नहीं, अगर खाली होता है तो फिर बुलडोजर भी चलाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो हमने पहले ही इंतजाम कर लिया, बुलडोजर आए फिर नुकसान ज़्यादा होगा उसमें, अपने हाथ से करेंगे तो सब निकल आएगा, नुकसान से बचने के लिए। नुकसान बचने के लिए। अच्छा, जो लाल निशान हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक जो आधी दुकान है वहाँ तक, तो क्या इसको आप लोग खुद ही तोड़ेंगे या फिर? हम खुद ही तोड़ेंगे वहाँ तक के। अच्छा जी जी। अच्छा, दुकान आप लोग खुद ही तोड़ेंगे? अच्छा, कितने मतलब साल हो गए इन दुकान को? ये 40 साल करीब हो गया। तो देखिए, ये तमाम दुकानें हैं जिनको खाली किया जा चुका है और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी जगह पर अब्दुल जो हामिद है उसका भी घर है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा दूं, दरअसल मार्केट की इस वक्त क्या तस्वीर है और क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और नोटिस लगने के बाद यहाँ जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। ये देखिए, ये अब्दुल हामिद का घर है और सरफराज जो कि हामिद का बेटा है, चूंकि ये दोनों ही इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन नोटिस की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अब इन दुकानों को खाली किया जाने लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जरूर नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच एक बात ये भी गौर करने वाली है, क्योंकि जिन 25 आरोपियों के घर के लोगों को नोटिस दिया गया है वो तो खुद से घर खाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शायद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी पालन किया जा रहा है जहां बुलडोजर एक्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी। और यहां ये साफ संदेश है कि ये जो जमीन है जिन पर अतिक्रमण किया गया है, उसे लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था, पहले हालांकि लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, 3 दिन का अल्टीमेटम अभी भी है और अभी भी नहीं हटाते हैं तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी।
बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही रोक लगाई थी बुलडोजर एक्शन पर, और देखा जाए तो तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए सरकार की यही कोशिश है कि इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें, महाराजगंज कस्बे की बात करें, तो जिन 23 लोगों को नोटिस दिया गया है, चूंकि इन लोगों को तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले भी नोटिस दिया गया था, चूंकि इस सड़क को चौड़ा किया जाना है और चौड़ीकरण को लेकर ही ये नोटिस इशू किया गया था तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, लेकिन तब लोगों ने इस जगह को खाली नहीं किया, यानी कि अतिक्रमण को नहीं हटाया, इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया। लेकिन अब चूंकि इस हिंसा की वजह से महाराजगंज जो पूरा कस्बा है वो सुर्खियों में है, और पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि जो आरोपी का घर है या फिर जो दूसरे आरोपी हैं वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि तभी सरकार ने और प्रशासन ने साफ किया था कि कानून के दायरे में जो कुछ भी हो सकता है वो सब किया जाएगा। हालांकि जो आरोपी हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि सरकार इस एक्शन के जरिए एक मैसेज भी देना चाहती है कि भले ही लोगों को लग रहा हो कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर का जो एक्शन है वो रुक गया है, लेकिन बुलडोजर का पहिया थमने वाला नहीं है। तो इस एक्शन के जरिए, इस कार्रवाई के जरिए शायद योगी सरकार कि जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी ही, लेकिन इस पूरे हिंसा को लेकर भी जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। नोएडा में छात्रा